एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यही पास के ही गाँव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते, तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने थोड़ी बहुत मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वो मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूँ और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आकर अपने सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको।
लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वो भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे, मुझे ही गलत कहते हैं, और पिछले कुछ समय से तो वो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना, इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा, लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। ये सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा छट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना असंभव है, ये हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। धन्यवाद।